लेकिन हाँ कुछ मल्टीपल शॉट लिए, जैसे कि ये शॉट को देखो। ऋतिक सलमान सब एक दिन अपने को जानेंगे। हाँ वो तो अपने को जानेंगे। अपने को मतलब मेरे को लास्ट वीडियो देखा है। तो ये शॉट को पूरा हम लोग ने मोबाइल पे लिया, इवन जो ऑडियो था उसका, उसके लिए हम लोग ने कोई स्पेशल मोबाइल लिया ना, और कुछ नहीं यूज किया है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और अगर न्यू हो चैनल पे तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम लोग ज्ञान बांटते रहते हैं। ऋतिक सलमान सब एक दिन अपने को जानेंगे। हाँ वो तो अपने को जानेंगे। अपने को मतलब मेरे को लास्ट वीडियो देखा है। मेरे सामने वाले जो बंदा था उसको मैंने कोई भी माइक्रोफोन नहीं दे रखा था, जैसे कि मैंने अपने ये एपिसोड में बताया था कि माइक्रोफोन कैसे सेटअप कर सकते हैं। अब अगर कोई मोबाइल वाला बंदा है और जो सिंक एंड ऑल के प्रॉब्लम से बचना चाहता है तो डायरेक्ट मोबाइल से ही शूट लेगा। और कई लोग ऐसा ही करते हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, जो ऑडियो का रिकॉर्डिंग होता है वो भी। तो मैंने इसमें वही ट्राई किया कि मोबाइल से ऑडियो रिकॉर्डिंग लूंगा। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देते हो और ऑडियो का रिकॉर्डिंग ले लेते हो। लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसको अलाउ किया, जैसे कि ऐसे लोग यहाँ पे माइक्रोफोन होता है तो ऐसे मेरा बंदा डायलॉग डिलीवरी देगा। अभी बोलो कुछ आप। ऋतिक और ये सलमान एक दिन सब अपने को जानेंगे। एक बार अच्छे से डायलॉग बोलो आप इसे। ऋतिक सलमान ये सब एक दिन अपने को जानेंगे। देखो ये अभी डायलॉग डिलीवरी इन्होंने दिया, अब डिफरेंस देखना। अब मैं यहाँ पे अलाउ करूंगा सिर्फ उनके पास डायलॉग डिलीवरी देने के लिए, आगे थोड़ा सा हाथ रख लूंगा शूट करते टाइम। अब सेम डायलॉग बोलना है आपको। ये ऋतिक और सलमान एक दिन सब अपने को जानेंगे। वापस बोलो। ऋतिक सलमान ये सब अपने को जानेंगे। ऋतिक सलमान ये सब एक दिन अपने को जानेंगे। तो अभी दोनों फ्लो का आवाज मैं आपको सुनाता हूँ जो उन्होंने दोनों फ्लो में बोला। ऋतिक सलमान ये सब एक दिन अपने को जानेंगे। ऋतिक सलमान ये सब एक दिन अपने को जानेंगे। और इनकेस बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है शूट के टाइम, तो सिंपली क्रोम में जाओ, ऑनलाइन ऑडियो कन्वर्टर में जाओ, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और अपने वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो, अपलोड कर लो। आप मल्टीपल वीडियो को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, उसके बाद सिंपली कन्वर्ट पे क्लिक करो और अपने MP3 को डाउनलोड कर लो। ये आपके वीडियो का ही ऑडियो है जो कन्वर्ट करके दे रहा है। अब आ जाओ वेव पैड में, सॉफ्टवेयर का नाम है वेव पैड, जो कि एंड्रॉइड के लिए है। सिंपली आपको अपने ऑडियो को यहाँ पे ले आना है। और नॉइज को सेलेक्ट करना है, यहाँ मेरा नॉइज है। फिर क्लीनअप में जाओ, ग्रैब नॉइज सैंपल पे क्लिक करो और फिर सेलेक्ट ऑल करो और वापस जाओ क्लीनअप में, और यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लो जो कि नॉइस को रिड्यूस कर देगा और ऑडियो क्लीन हो जाएगा। फिर सिंपली काइनमास्टर में अपने वीडियो को इंपोर्ट करो। और ऑडियो में जाके ऑडियो को इंपोर्ट कर लो जो कि क्लीन किया था हम लोग ने वेव पैड से। इसको सिंक करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सेम ऑडियो है जो कि वीडियो में है, सिर्फ इसको हम लोग ने क्लीन किया है। फिर फुटेज के ऑडियो को म्यूट कर लो कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये सेटिंग में जाना, फेड इन और फेड आउट वाले ऑप्शन को बंद कर दो और सिंपली एक्सपोर्ट कर लो। यही सेम चीज करना है आपको आपके सब वीडियो में। और फिर ऑडियो नॉइस का प्रॉब्लम और सिंक का प्रॉब्लम, ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ में सॉल्व हो जाएगा। फिर सिंपली सब फुटेज को टाइमलाइन पे लेके आओ और कट शॉट और एडिट कर लो, हो जाएगा आपका काम। तो ये सेम चीज़ मैंने एक मूवी में देखी थी, सर्चिंग, जिसमें वो लोग टेक्स्ट मैसेजेस के साथ खेलते हैं और हमारे इमोशंस को कनेक्ट करते हैं। और यही सेम चीज़ आप अपने वीडियो में डाल सकते हो, जो कि काफ़ी कूल लगता है। तो सिंपली आपको पहले पिक्से प्रो में आना है और यहाँ पर ये पिक को इम्पोर्ट कर लेना है, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद टेक्स्ट लिख लो और सेव कर लो जितने भी ग्रीन मैसेजेस के पार्ट हैं। फिर यहाँ पर इफेक्ट में जाओ, HUE वाले पार्ट को सेलेक्ट करो और ऐसे कुछ कलर को चेंज कर लो। आप कलर कोई भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे ब्लू रखा है। फिर सारे ब्लू टेक्स्ट को लिख लो जितने भी लिखने हैं आपको, और सेव करते जाओ। अब आ जाओ काइनमास्टर में, एम्प्टी प्रोजेक्ट को ले लो और उसके बाद से वीडियो को इंपोर्ट कर लो। फिर उसके बाद से लेयर में जाओ, इमेज चूज करो और इंपोर्ट कर लो आपने जो रिसेंटली बनाया था इमेज। फिर इसको रिसाइज कर लो सही जगह पे
उसके बाद यहाँ इन एनिमेशन में जाना, पॉप सेलेक्ट करना और इसको इन बिटवीन रखना 0.5 से 1 के। अब ये ऐसा पॉप हो रहा है। वापस लेयर में जाओ, अपने दूसरे इमेज को लो, ब्लू वाले इमेज को रिसाइज कर लो। और टेक्स्ट आने जाने के बीच में थोड़ा सा गैप रखो, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट भेजते हैं तो थोड़ा गैप होता है उसमें, तो वैसा गैप रख लो। उसके बाद से इन एनिमेशन में जाओ वापस और इसमें भी पॉप सेलेक्ट कर लो, सेम चीज करो जो आपने पहले किया था फर्स्ट इमेज के साथ। अब ये सेकेंड वाला इमेज जैसे ही पॉप हो रहा है, उसके कुछ सेकेंड्स बाद फर्स्ट वाले इमेज को डिलीट कर लो, कुछ ऐसा कम कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। वापस से बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड इमेज जैसे ही पॉप हो रहा है उसके कुछ सेकेंड बाद, मतलब 2 या 3 सेकेंड बाद आपको ये फर्स्ट इमेज को चूज करना और डिलीट कर देना है। अब आपको थर्ड इमेज इंपोर्ट करना है, रिसाइज करना है, इन एनिमेशन में पॉप सेलेक्ट करना है और इसके भी पॉप होने के कुछ सेकेंड्स के बाद आपके सेकेंड इमेज को डिलीट करना है और सेम चीज़ आपको सारे इमेज के साथ करना है। अब यहाँ पर ये जैसे ही पॉप हो रहा है हमारा सेकेंड वाला इमेज, उसके 3 फ्रेम पहले जाना और उसके बाद फर्स्ट वाले इमेज को सेलेक्ट करो और यहाँ पे की पे जाओ और थोड़ा सा फुटेज को आगे बढ़ा दो जैसे ये पॉप होने जा रहा है सेकेंड वाला इमेज, और इसको ऊपर कर लो और इसको थोड़ा सा साइज में भी छोटा कर लेना, तो आपका फुटेज ऐसा दिख रहा है फिलहाल। अब वापस फर्स्ट इमेज को सेलेक्ट करो, आउट एनिमेशन में जाओ और फेड को चूज करो और इसको 1 पे ही रहने देना। अब सेम चीज आपको सब इमेज के साथ करना है, की करना है, देन ऊपर ले जाना है, उसके बाद से आउट एनिमेशन में जाके फेड चूज कर लेना है, उसके बाद से आपको अपने फुटेज को सिंपली सेव कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेना है। टी शर्ट चेंज करना बहुत ही सिंपल है काइन मास्टर में, सिंपली अपने फुटेज को ले आओ टाइमलाइन पे और इसको कट शॉर्ट, क्रॉप या कुछ भी मत करना, कोई भी एडिटिंग इसमें मत करना, सिर्फ सही जगह पे वीडियो को कट कर लेना, जैसे कि जहाँ पे टी शर्ट चेंज करना आपको वहीं पे सिर्फ कट कर लेना, ऐसा कुछ। जैसे कि यहाँ पे चेंज होने वाला है तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, फिर स्प्लिट एट प्ले हेड पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे ये सही जगह पे कट हो जाएगा। अब उसके बाद से वापस ये लेयर वाले ऑप्शन में जाओ और वही वीडियो को इंपोर्ट करो जो अभी आपने टाइमलाइन पे इंपोर्ट किया था, सेम वीडियो का आई मीन। उसके बाद से इस पर क्लिक करो और इसको फुल स्क्रीन कर लो। अब लेयर वाले फुटेज को सेलेक्ट करो, क्रोमा की में जाओ और इसको इनेबल कर लो। ये ऑटोमेटिकली आपके कलर को डिटेक्ट कर लेगा, यहाँ पे इसने रेड डिटेक्ट कर लिया। इनकेस नहीं करता है तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। अब सिंपली हर कट को सेलेक्ट करो, फुटेज को सेलेक्ट करो, जितने भी कट लिया आपने, उसके बाद से कलर्स पे जाओ, कलर इफेक्ट पे, और कलर इफेक्ट चूज करते जाओ, तो आपका टी शर्ट का कलर चेंज होते जाएगा। अब एडिशनली आप यहाँ पे जा सकते कलर एडजस्टमेंट में और कलर्स को ब्राइट या डल कर सकते हो और सिंपली आपको एक्सपोर्ट कर लेना अपने वीडियो को। तो बस यार, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं फिल्म मेकिंग की टिप्स एंड ऑल देता रहता हूँ। और बस यार, ये वीडियो को लाइक कर दो, वो सब्सक्राइब का जो लाल बटन है उसको सफेदी की चमकान दे दो। बाय।